इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड में चुनौतियां कम नहीं है। यहां पर सड़क, स्वच्छता से लेकर उन सारी रोजमर्रा के जीवन में पर उपयोगी विषयों पर काम करने की जरूरत है, जो बरसों से लंबित है, जो बरसों से एक कोने में पड़ी है, जिस पर विकास की आस लगाए जनता ने उम्मीद के तौर पर सुधीर राजपाल को इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड से विजय बनाया। लेकिन विजय की रथ यात्रा में सवार सुधीर राजपाल के सामने अब चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। यहां की अव्यवस्था को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्थाओं पर काम करने की इनको जरूरत है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार चुनौती नंबर 1, चुनौती नंबर 2, चुनौती नंबर 3 और चुनौती नंबर 4 और यह है चुनौती नंबर 5। और सुधीर राजपाल इन सारी नमस्कार, हाजिर हैं हम उस कार्यक्रम में जिसमें 5 साल आगे क्या काम करेंगे पार्षद महोदय जी, क्योंकि अब चुनाव खत्म, अब चुनौतियां सामने बहुत है। चुनौतियां इसलिए कि नगर निगम के सामने सदैव सफाई की और खासकर नाली, ये छोटी छोटी समस्याएं जो रोजमर्रा की होती हैं, ये सीधे पार्षद, देखना ये होगा कि उससे जुड़ी जनता सुधीर राजपाल उसको अपने अधिकार कितने खड़े होते उन सारी व्यवस्थाओं से वंचित सालों से रहे, उसको अब व्यवस्थाएं बनाना है। क्या कि इन सारे सवालों के साथ कैसे काम करेंगे हमारे नव नियुक्त पार्षद, इस पर हम लगातार नए नए पार्षदों से बातचीत कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 है इब्राहिमपुर प्रथम। इनका चेहरा और इनकी बातचीत तो पहले भी हम कर चुके हैं, चुनाव के दौरान भी आपने मेरी कवरेज पर देखा है। अब बातचीत करेंगे कि आखिर चुनौतियां कौन सी होंगी और किस प्रकार से इनको लगता है कि यहां पर सबसे बड़ी ये चुनौती है जिसको पूरा करना है। इन सारे सवालों के साथ सुधीर राजपाल से हम बातचीत करने जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कुछ तस्वीरें देखी हैं सड़क की, अव्यवस्था की और कुछ लोगों की बातचीत की, उन सारे उनके बीच से सवाल लेकर सुधीर राजपाल से प्रश्न करेंगे और देखेंगे क्या चुनौती होंगी और कैसे सफल होंगे। सुधीर जी नमस्कार, बहुत बार हमारा आपका सामना हो चुका है एक बार फिर से। सुधीर जी, एक समस्याएं होती हैं जब कई वर्षों के बाद में एक नया, क्योंकि बीजेपी पहली बार जीती है और आपके सामने जो चुनौतियां थी वो सबके सामने, सबको पता है किस चुनौती से आपने चुनाव लड़ा और जीते हैं, सबको पता है काफ़ी गंभीर था वो मामला। अब जीत चुके हैं, अब आप पार्षद हैं, क्या आपको लगता नहीं उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और आपके सामने चुनौतियां क्या हैं उन उम्मीदों को पूरा करने की? सवाल मेरा ये है कि चुनौतियां आपके सामने क्या हैं उन उम्मीदों को पूरा करने की? देखिए, अगर बात हम चुनौती की करते हैं तो हमें एक गड्ढा मिला है, हमको पहले गड्ढा पाटना है, उसके बाद उसके ऊपर इमारत खड़ी करनी है। गड्ढा क्या पिछले? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं हम। हमको गड्ढा मिला, कई ऐसी योजनाएं थी जिनका पैसा पूरा पास हुआ था। मैं रेवतापुर को लेकर बोलता हूँ, रेवतापुर एक गांव है हमारे यहाँ जिसमें पूरा पैसा आया था, लेकिन काम बहुत कम, केवल एक तरफ की नाली बनी है, बाकी तरफ से ही बार का काम भी आधा छूटा हुआ है। पुरानी समस्याएं इतनी हैं कि उनको ही पूरा करने में मुझे लगता है कि बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि लोहे के चने जमाने वाली बात है, लेकिन बीड़ा उठाया है तो काम मैं पूरा करके दिखाऊंगा और एक्स्ट्रा भी करके दिखाऊंगा। पुराना काम तो पूरा हो गई होगा, नए काम में भी मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ। अच्छा, एक ये समस्याएं जो आपने बताई कि पुराने इतने बड़े बड़े गड्ढे थे जिसको पूरा करने में समस्याएं आएंगी, आपकी केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार और देखा जाए तो आपका जो विधानसभा है वहां से वो मंत्री भी हैं और आप भी पार्षद, आपका मेयर है, क्या आपको लगता है कि उन सारी बातों को जो पिछले पार्षद नहीं पूरे कर पाए, उनके पास हो सकता है केंद्र में सरकार ना हो इसलिए ना कर पाए हों, कई कारण बता सकते हैं, आपके सामने तो कोई कारण नहीं है ना, तो क्या वो चुनौतियां आप पूरी कर लेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है आपको? पहले तो मैं जनता की समझदारी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा है कि जब प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है तभी उन्होंने हमको पार्षद बनाया है और सेवा का मौका दिया है, तो उनको भी मालूम है कि इसी तरीके से पूरा हो भी सकता है। और मैंने इसीलिए कहा
कि हम सक्षम हैं। अभी मैंने ये शब्द कहा था सक्षम, सक्षम का मतलब यही है कि पूरा का पूरा काम हम लोग करवाएंगे और जिस तरीके से जिस योग जनता ने समझा है मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि हर तरीके से खड़ा उतरूं और पूरा काम करवा पाऊं। अच्छा, समस्याएं तो निश्चित रूप से आती हैं, जिस प्रकार से बड़ा क्षेत्र है या ये प्रथम जिस तरह क्षेत्र उतरटिया है, चिरैया बाग है, फिर यहाँ का क्षेत्र मथा का, समस्याएं तो आएंगी। नई योजना कोई है कि समस्याओं को, जैसे कि पहले पार्षद थे मिलते नहीं थे, कार्यालय पे मिलते नहीं थे और उनके समय पर उनका एक निर्धारण था, उसके बाद भी जाओ तो मिलना मुश्किल था, तो ये सब क्या चुनौती, ये सब भी खत्म हो जाएगा और आप निश्चित रूप से समय पर या एक निर्धारित समय आप तय कर देंगे? कुछ नया सोचा है आपने कि जो पिछली कार्यकाल में झेलना पड़ा वो इस कार्यकाल में नहीं झेलना पड़ेगा, उसके लिए आपके मिलने का, काम करने का और जन समस्याओं को खत्म करने का कोई नया तरीका आपने सोचा है? जी हाँ, मेरा तरीका ये है कि पहले तो मेरा जो नंबर है वो मैंने जन जन में इस तरीके से बढ़वा दिया है कि 24x7 24 घंटे सातों दिन में सबके लिए उपलब्ध हूँ। और दूसरी बात है कि मैं सवेरे जो है वो मिलने का फिक्स टाइम है कि जब तक घर में रहूँगा 10:30 बजे तक हर आदमी आता है मिलता है। उसके बाद ये कार्यालय में जहाँ पर आप भी आए हैं यहाँ पर एक से डेढ़ बजे तक के कंटिन्यू रोज बैठता हूँ। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उस जनता के दर्शन कर लूँ जिन्होंने मुझको पार्षद जिताया है, उनकी समस्याएं सुन लूँ और उसका निराकरण हो पाए मेरे द्वारा, उसके बाद ही मैं कहीं निकलता हूँ, उससे पहले मैं कहीं निकलता नहीं। आपने देखा कि सारी समस्याओं को गड्ढा बताया, क्योंकि गड्ढे तो हैं ही, उनको पाटने में समय तो लगेगा। देखना ये होगा कि सुधीर राजपाल कितना खरे उतरेंगे उन सारी बातों पर जिन उम्मीदों के साथ जनता ने वोट दिया। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ मैं सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।